प्रथम तहलका न्यूज। उगते सूर्य की आराधना के साथ ही पूर्वांचल का महापर्व छठ पूजा का समापन हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों से कई खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। हरियाणा में भी छठ पर्व की छटा देखने को मिली। ये तस्वीरें फतेहाबाद से सामने आई है, जहां बिहार और उत्तर प्रदेश से आकर बसे कई परिवारों ने श्रद्धा और उल्लास से छठ का ये पर्व मनाया। श्रद्धालुओं ने पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत को खोला। छठ पर्व से जुड़े मान्यताओं के बारे में घाट पर मौजूद कई लोगों ने जानकारी दी। ये अपना अथी के लिए, फल के लिए मनाए जाते हैं। ये अपना छठी मई अपना सुखी तरह पति के, बेटा के, बेटी के, दामाद के, सारा के लिए मनाए जाते हैं। ये छठी माई के सूरज भगवान के, हर साल मनाया जाता है। हाँ जी, हर साल मनाया जाते हैं। पहले खरना करते हैं, पहल का छठ वो होते हैं, ओकरा बाद पहला अर्घ होते हैं, ओकरा बाद आज फिरती है, आज मांग लेते हैं हम लोग। हाँ बस, जो आप मनोकामना मांगते हो? हाँ माँ वो पूरा कर देती है। तीन दिन के होते हैं। कैसे करते हैं? पहले तो खरना कर लिए। हर साल मनाया जाता है। इसमें जो महिलाएं हैं वो छठ व्रत रखती हैं। इसमें दो, इसमें 24 घंटे ये भूखे प्यासे रहती हैं, और ये व्रत महिलाओं के मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मनाया जाता है। इसमें साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, और इसमें महिलाएं हैं जो दो दिन भूखे प्यासे रहती हैं बिना कुछ खाए, और ये व्रत मनाती हैं। इसमें सभी की मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। पहले दिन तो जब सूरज डूबता है तो उस समय पूजा होती है, और अगले दिन सूरज निकलने से पहले ये जो महिलाएं हैं वो अर्घ देती हैं सूरज भगवान को, ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। यह त्यौहार लगभग दिवाली से 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा भगवान सूर्य की उपासना का पर्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठ देवी सूर्य की बहन है। ये व्रत बच्चों और परिवार की मंगल कामना के लिए मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान 3 दिन तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करते, जबकि समापन के 3रे दिन भगवान सूर्य को पानी में खड़े होकर पूजा करते हुए अर्घ देते हैं। मनाते हैं कि ये मनोकामना होता है, ये अपना पूजा होता है, साल में एक बार पूजा होता है। हर साल मनाते हैं? हर एक साल मनाते हैं। किस तरह से मनाई जाती है? 3 दिन का पूजा होता है, 36 घंटा पानी नहीं पीना है, ना अन्न खाना है, और आज व्रत है लास्ट त्यौहार। कैसे आज लास्ट दिन कैसे तोड़ोगे? अर्घ दे के सूरज भगवान का नाम लेते हैं। कैसे मनाया? 3 दिन से हमने व्रत कर रखा था, आज अंतिम है, बस पूजा खत्म करके घर जा रहे हैं। क्यों मनाते हो आप? बच्चे के लिए, पति के लिए, सारे कुछ के लिए, धन दौलत सारे के लिए ही होते हैं। तो हर साल मनाते हो? हर साल मनाते हैं, साल में एक बार आता है, हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप भी रखते हो ये व्रत? हाँ जी। पूजा भी करते हो? पूजा भी करते हैं। 21 नवंबर को सुबह सूर्य उदय होने पर अर्घ्य देकर व्रत खोला गया। इस व्रत को लेकर इन लोगों में काफी उत्साह देखा गया, और पानी में नहाते और खाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।